भाई लोग, एक राज का बात बताऊं। इधर में एक मंदिर है, मेरे गांव से थोड़ा पश्चिम एक मंदिर पड़ता है। पहले पहले तो वहाँ डर के समझ जाइए कि दिन हो या रात हो, ठीक है, जब 12 बज जाता था ना तो कोई डर के मारे भाई जाए। देखिए भाई लोग, बहुत परेशान हूँ यार, एक घंटा से मैं परेशान हूँ यार। ये मेरा एक मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया था यार, आज तक धोखा नहीं दिया था। ये धोखा नहीं देने की वजह से इसको मैं इतना संभाल करके ये बाइक और मैं रखा था, इतना प्यार से मैं रखा था। मैं इसको जो है बेचने को भी नहीं सोच रहा था यार, जैसे तैसे मेंटेन करके चला रहा था। लेकिन आज मुझे इतना परेशान किया है यार, 2 घंटा से मैं परेशान हूँ यार। मेरे गांव के बगल में एक रतनपुर गांव है, वहाँ से आने में जो है स्टार्ट होता है, थोड़ा दूर चलता है बंद होता है, स्टार्ट होता है थोड़ा दूर चलता है। इतना परेशान हो गया है यार, मैं क्या कहूँ यार, दिमाग ख़राब हो गया है। एक वीडियो शूट के लिए मैं जाना था, मैं गांव में आया हूं तो मैंने सोचा दोस्तों कि एक वीडियो शूट करने जा रहा हूं। उधर में एक मंदिर है और मंदिर में से जो है पहले दोस्तों जो है एक लूका बोलता था लोग, माता जी जो है वो गागरी में आग नहीं बलता है वैसा बल निकल करके उधर से आती थी और उधर से आती थी और इधर से होकर के उधर उधर चली जाती थी। दोस्तों मैं बचपन में खुद मैं अपने आँख से देखा था, तो मैंने सोचा कि अभी चल के देखता हूँ मंदिर का हालात क्या है, कैसा है आज। खैर तो मैं बचपन में देखा था, लेकिन अभी जो है बहुत समझ, बचपन में ही देखा था, उसके बाद मुझे वो लूका दिखाई नहीं दिया था। लेकिन मैं अपने आँख से देखा था, वो जो है खपरी में आग निकलती थी और इधर से इधर जाया करती थी दोस्तों, और उधर में जा करके एक उधर बहुत उधर मंदिर है जंगल में, वहाँ पर जा करके मिलती थी। बताते थे लोग कि ये जो गड़ी माई है उन्हीं का 7 बहनों में से एक बहन है। तो चलिए चल करके वो मंदिर भी दिखाएंगे, लेकिन ये गाड़ी मुझे बहुत परेशान कर दी है यार, दिमाग ख़राब हो गया है। मैं क्या करूँ अब, ये गाड़ी को मैं रखूँगा नहीं यार, ऐसे भी बहुत संभाल के रखा था लेकिन अब रखने वाला नहीं हूँ दोस्तों, बहुत परेशान हो गया हूँ। चलिए चलते हैं, किसी तरह इसको स्टार्ट करते हैं, होता है कि नहीं। चलिए दोस्त, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये पहले यहाँ पे जो है बहुत बड़ा जो है इधर में जो है बहुत बड़ा 2 गाछी हुआ करता था दोस्तों। दिन के 12 बजे या शाम होते होते किसी की हिम्मत नहीं हुआ करता था इस जगह पर आने के लिए, लेकिन बाद में जो है अभी देखिए समय बदल गया है और गांव यहाँ तक आ गया है और वही जो मंदिर है। तो चलिए आपको उस करीब से ले चल के दिखाते हैं कैसा है क्या है दोस्तों, चलिए चलते हैं। था यहाँ से निकलती थी और यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से निकलती थी इस तरह से होते होते वहाँ उधर जो है हमारे गाँव के पास उधर जो कब्रिस्तान है उसके बगल से हो करके और उधर एक और मंदिर था वहाँ पर जाती थी बोलते थे लोग। लेकिन अभी जो है देखिए, अभी जो है दोस्तों ये मंदिर जो देख रहे हैं ना, देखिए ये बिल्कुल सरे में है गांव, ये बिल्कुल जो है वीराना जगह पर है। किसी के हिम्मत, जब पहले हम लोग छोटे थे ना दोस्तों, तो किसी के हिम्मत नहीं हुआ करता था ये रास्ता से जाने के लिए अकेले, दिन हो या रात हो। लेकिन अभी तो सब कुछ हालात बदल गया है और वहाँ पर देखिए वो जो देख रहे हैं, देखिए वो जो देख रहे हैं वो गाछ, वहाँ पर जो है मेला भी लगता है। वहाँ पर पहले बहुत बड़ा बड़ा 2 सेम्बर का गाछी हुआ करता था, लेकिन बाद में वो सूख गया, कट गया, उसके बाद जो है यहाँ का डर ख़त्म हो गया। और देखिए अभी मैं भी जो है बिल्कुल अकेला हूँ दोस्तों, और जो ये मंदिर देख रहे हैं ना, पहले ऐसा नहीं था ये। देखिए पहले यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन बाद में जो है यहाँ पर जो है अभी देखिए बन गया है, नहीं तो पहले ये जो है ना एक छोटा था और वो मंदिर में से जो है पूरा जो है, देखिए दोस्तों गेट ये बंद है, अब कब खुलता है ये, शायद ये हमको ये मेला वाला लगता है ना दोस्तों, चैती मेला, उसी टाइम खुलता है देखिए। और ये इस तरह से बना दिया गया है, देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो है अभी बना दिया गया है, नहीं तो पहले जो है ये बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था। और वो मंदिर के अंदर से एक बहुत बड़ा पीपल का बोट निकला था, वो बोट तो काट दिया है लोग, काट करके देखिए ये दूसरे, ये कहने का मतलब नया बना दिया है लोग। लेकिन पहले बचपन में हम देखे थे उस टाइम जो है ये बिल्कुल एक टूटा फूटा मंदिर हुआ करता था और उसमें से बहुत बड़ा जो है पीपल का बोट निकला था और मंदिर टूट गया था, उसमें गेट था बंद रहा करता था। लेकिन किसी के भी हिम्मत नहीं हुआ करता था दोस्तों यहाँ दिन में जाने के लिए। अभी तो हालात बदल गया है, ये देखिए गांव यहाँ तक आ गए हैं, गांव उधर था लेकिन गांव अभी इधर तक आ गए हैं दोस्तों। तो मैं इस रास्ता से गुजर रहा था तो सोचा कि मैं अपने बचपन की याद मुझे आ गया कि बचपन में हम लोग ये रास्ता से जाने में बहुत डरते थे, बहुत डरते थे दोस्तों, बचपन में हम लोग ये रास्ता से जाने में बहुत डरते थे। लेकिन अब तो ऐसा बात नहीं रह गया है, लेकिन बचपन में मैं भी देखा था आके गोला इस मंदिर में से, इस मंदिर के आसपास से निकलता था और उधर जाता था, तो लोग बोलते थे नहीं उसी मंदिर में से निकलता था, वास्तव क्या है ये तो मालूम नहीं।
लेकिन हाँ पहले बोलते थे लोग यहाँ से जो है देवी निकल के जाती है दोस्तों। मैंने तो सोचा इस बचपन की एक कहानी याद आ गया तो मैं आप लोग को बता दूँ कि कितना बचपन में डरते थे हम लोग। लेकिन हालांकि मैं खुद अपने आँख से देखा हूँ आग के गोला निकलते हुए, इस मंदिर से तो नहीं लेकिन इधर से जाता था आग के गोला, तो बताते थे लोग कि उसी मंदिर के आस पास से वो जो माता निकल करके आई है। लेकिन उसके बाद जो है एक दो बार देखे थे बचपन में, उसके बाद जो है दिखाई नहीं दिया, आज तक भी नहीं दिखाई दिया। तो यही था दोस्तों, ये जो है जो गढ़ी माई मेला लगता है ना, तो गढ़ी माई जो आप लोग सुने होंगे, गढ़ी माई मेला जो लगता है तो सबसे बड़े बहन वो है, वो लोग सात बहन हुआ करती है, वो लोग सात बहन है लोग, और सातों बहन में जो है एक बड़े बहन वो है, और उन्हीं का एक बहन का ये ठिकाना हुआ करता था पहले दोस्तों। अब तो पता नहीं, अब ये सब देखने को नहीं मिलता है। अब क्या है कि गाँव भी दड़ा गया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिमर के बोर्ड था वो भी कट गया, और इधर में जो है देखिए दोस्तों उधर में जो है कल्सर अभी लग गया है, नहीं तो पहले उधर में भी एक बहुत बड़ा धुरिया पीपर हम लोग बोलते थे, वहाँ पर भी दिन दोपहर में ही डरा लगता था दोस्तों। तो चलिए जी, जहाँ पे गए थे वहाँ से आकर के गांव के कुछ करीब में आकर के बिगड़ा है बाइक। तो मैं देखिए मेरे पास पेचकस वेचकस नहीं था, तो मैं किसी तरह यहाँ तक लाया, और देखिए अभी जो है फ़ोन किया था तो बच्चे लोग जो है पेचकस बेचारे लेकर के आ रहे हैं लोग साइकिल से, और चलिए वो पेचकस लेकर के और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, होता है कि नहीं। यार बहुत परेशान कर दिया है ये बाइक मुझे तो, साइकिल रास्ते में खींच खींच जाती है। अब बताइए इन लोगों के साइकिल क्या हो गया यार, ये आफत से लग गया है उन लोगों के साइकिल का, वो क्या बोलते हैं वो चैन भी बिगड़ जा रहा है। अब चलिए अब थोड़ा देखते हैं पेचकस, पेचकस लाया कि नहीं रे, पेचकस लाया है दोस्तों। अब चलिए थोड़ा पेचकस ला, कारपेटर जो है खोल करके तेल झाड़ता हूँ, देखता हूँ कहीं ओवर तो नहीं हो गया है। क्या भाई कारपेटर में तेल नहीं है यार। देखिए भाई लोग गाड़ी में तेल नहीं है, और वहाँ पे मीटर जो है साला दिखा रहा था तेल है, इसीलिए मैं तेल नहीं भरा लेकर के आ गया। देखिए कितना परेशानी झेला, मैं सोच रहा था मेरा गाड़ी धोखा दे दिया, मैं ये गाड़ी को रखूंगा नहीं, बिक दूंगा फेंक दूंगा, लेकिन यार वास्तव तो वो अलग है यार, इसमें ये सिरवा तेल नहीं है। देखिए तो क्या हो गया है भाई, ये इसमें तो बिल्कुल तेल नहीं है यार, तो कैसे स्टार्ट हो गया यार, बिल्कुल तेल नहीं है भाई लोग। अब क्या करूं, अब किसको बताऊं भेजाऊं यार तेल लेने के लिए, यार दिमाग खराब हो गया यार, हालत खराब हो गया भाई लोग। एक बड़ी मुश्किल से पेचकस भी मंगाया तो पता चला कि गाड़ी में तेल नहीं है, और यहाँ पे साला मीटर दिखा रहा था यार, मीटर दिखा रहा था तेल है, और ये साला दिखा रहा है मीटर तेल है। तो चलिए दोस्तों अब हमने लेकर के चल दिए, आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा, पैदल ही जाना पड़ रहा है।